लखीमपुर खीरी में आज दिनांक 17 जून को कोतवाली पलिया पुलिस द्वारा कस्बा पलिया स्थित भारत लॉन्ज में अनैतिक देह व्यापार के संबंध में मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर लॉन्ज की खाना तलाशी ली गई, तो लॉन्ज के तीन अलग अलग कमरों में से तीन महिलाओं और तीन पुरुषों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया। नाम व पता पूछने पर उन लोगों ने अपने नामकरण से सैफ अली पुत्र खालिद हुसैन निवासी शिवपुरी थाना निघासन उम्र 22 वर्ष तथा राजेश सिंह पुत्र मिलाप सिंह निवासी दीवान टांडा थाना भीरा उम्र 25 वर्ष तथा प्रदीप गर्ग पुत्र सुंदरलाल गर्ग निवासी किसान थाना पलिया उम्र 38 वर्ष जो मादक पदार्थों का तस्कर है तथा जो नेपाल राष्ट्र में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा मार्च में ही छूट कर आया है। लॉन्च का मैनेजर अमरपाल लोधी पुत्र काशीराम निवासी बरगदा थाना बरखेड़ा जनपद पीलीभीत व मोहित कुमार कश्यप पुत्र श्याम किशोर निवासी त्रिलोकपुर थाना पलिया भी मौके से गिरफ्तार किए गए, जिनके विरुद्ध थाना पलिया पर मुकदमा संख्या 192 उनके विरुद्ध थाना पलिया में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। थाना पलिया क्षेत्र में एक भारत लॉज करके एक होटल गेस्ट हाउस है, उसके यहाँ सूचना मिली थी कि कुछ वहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर वहाँ पर दबिश दी गई, दबिश देने पर तीन लड़का और तीन लड़की आपत्तिजनक स्थित पे पाए गए, उनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है। नेपाली लोग भी सर इसमें शामिल थे क्या? इसमें कुछ रहने वाले पूछताछ से पता चला है कि कुछ नेपाल के हैं, अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।